बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी का दामन थामा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने मंच पर पार्टी का पताका पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें, मनीष कश्यप ने पहले पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, हालांकि अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, पीएम मोदी के कार्यों और विकास मॉडल से वो प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस दौरान मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मनीष ने अपने करियर में लोगों का मुद्दा उठाया है और मोदी जी का समर्थन भी किया है। गैर बीजेपी सरकारों ने मनीष को परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। बीजेपी में शामिल होते ही मनीष कश्यप ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है, मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए, और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है, मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और बिहार को मजबूत करना है, बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। देखिए, जो आरोप लगाया गया पटना कोर्ट ने, सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, NSA मेरे ऊपर से हटा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी। आज क्या बोलना चाहिए, आज बहुत बहुत हम खुश आए, मेरा लड़का बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बहुत खुश आए, बहुत खुश आए। लेकिन उनको जेल भी भेजा गया, उन्होंने बहुत तकलीफें भी देखी, क्या बोलना चाहिए? अच्छा, भगवान ठीक है, भगवान वो चाहे कि जेल में गए तो जेल में चल गया, भगवान जब चाहे तो निकल गया। आज भगवान के मर्जी से आज ही सब हो रहा है। बीजेपी को ज्वाइन हमको बहुत दिन से बोलते हैं कि जे बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लो, तो ठीक है, आज हो गया, भगवान सब सुन लिए। कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूँ, वो गरीबों का भला चाहता है, और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं, और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। बता दें, मनीष कश्यप फर्जी वीडियो जारी करने के मामले में जेल चले गए थे। दरअसल पटना पुलिस ने विशेष आर्थिक अपराध इकाई में उनके खिलाफ तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ जारी हिंसा का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ NSA भी लगा दिया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।